तपदरमनं प्राविशत गीत कीर्ति। ये वृंदारण्यम, ये वृंदारण्य क्या है? तो यहाँ वृंदावन में केवल तुलसी का वन है। वृंदा तुलस्या यह वनम वृंदावनम, सर्वत्र तुलसी का वन है। स्वपद रमणम स्वपदात वैकुंठाद पिरमणम, यह वृंदावन वैकुंठ से भी सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण महाराज वृंदावन में प्राविशत गीत कीर्ति, ये ब्रज गोप बालक श्री कृष्ण के कीर्तन गाते हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। ठाकुर जी ने महाराज बंसी बजाया, वैसी स्थिति में बंसी बजाए हैं। कैसा बंसी है? राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्तो धीरे धीरे। श्री कृष्ण की ये मधुर बंसी की आवाज सुनकर के गोपियां महाराज श्री कृष्ण को आलिंगन करने लगी। वर्णयन्तो धीरे धीरे आलिंगन करते हुए बंसी की गीत गाने लगी। महाराज ये वेणु गीत है, ये वेणु गीत क्या है? पूर्व राग। अब गोपियां देखिए गा रही हैं, गीत गा रहे हैं। कैसा गीत गा रहे हैं? श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देख करके ब्रजवालाएं कहती हैं, यक्षणवताम फलमिदं न परं विदामः सख्यः प्रसन्ननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजोष्टम् जैर्वाल्यपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। ब्रजवालाएं कह रही, अरे सखी, इस विश्व ब्रह्मांड में जितने भी नेत्रधारी हैं, बस उनका यही फल है नंद नंदन प्यारे श्याम सुंदर और दाऊ दादा, दोनों एक हाँ एक गले पर दोनों गलबहियां देख करके वृंदावन में भ्रमण कर रहे हों। तो भ्रमण करते समय उनकी रूप माधुरी को जो देख ले, बस इसी का नेत्र है। ठाकुर जी का रूप माधुरी का वर्णन गोपियां करती हैं, वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रणुवेण जुष्टम। ये ब्रजेश सुतयो, श्रीजीव गोस्वामी पाद कहते हैं ब्रजेश सुतयो। सुतयो द्वितीय विभक्ति है, अर्थात विश्वभानु बाबा की लाली और नंद बाबा की लाली, ये राधा माधव। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा करके ब्रज गोपियां लुप्त हो गई। गोपियां कहने लगी कि अरे सखी, इस मतवाली रूप को जो एक बार देख लिया, बस उसका नेत्र सार्थक हो गया। क्या चाल शान अलबेली है, ब्रजराज चले मस्ते मस्ते, क्या रूप माधुरी बरसत है, सखी चले जात रसते रसते, बिन मोल बिकी आई सूरत पे, मैं तो बिक ही गई सस्ते सस्ते, मनमोहन ने मन छीन लिया सख छीन लिया हंसते हंसते, सख छीन लिया
हंसते हंसते पतली सी कमरिया अटकाते पतली सी कमरिया अटकाते ओ काली सी कमरिया लहराते काली सी कमरिया लहराते सब सुंदरता को दिखलाते सुंदरता को दिखलाते सब सुंदरता को स्वभाव है अपने में दीनता आती है। ब्रज गोपियों में जब प्रेम का उदय हुआ तो गोपियां कहती हैं कि अरे सखी हमने प्रेम का गंध भी नहीं है। कहते ये गोप कुमार न जाने कौन सी तपस्या करते हैं। अरे सखी हम लोगों को यदि पहले पता होता कि गोपियों को कृष्ण नहीं मिलते गोपों को ही मिलते हैं कि दिन रात कन्हैया के साथ गोचारण करते रहते हैं। हम लोग तो कृष्ण का दर्शन भी करना होता है तो छिप कर करते हैं, कहीं हमारी सास न देख ले ससुर न देख ले, अरे कहाँ तक कहें हमारी कहीं ननद न देख ले। हम लोग के ऊपर इतना आक्षेप है, एक ब्रज के वाले कितने भाग्यशाली हैं कि 24 घंटा नंद नंदन श्री कृष्ण के साथ खेलते रहते हैं। एक गोपी तो कही अरे सखी ये तो गोप हैं, इनको तो सौभाग्य है ही, एक काठ की बंसी को नहीं देख रही है। गोप्यः किमा चरदयम् कुशलस्म वेणो दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां। जय श्री कृष्ण का दरासव गोपियों का एकमात्र इष्ट है, उसको एक काठ का बंसी लकड़ी की जात की बंसी महाराज अकेले पी रही है, भूखते स्वयं अकेले पान कर रही है, छोड़ भी नहीं रही है। ऋष्यत पशु इसके सौभाग्य को देख करके वृंदावन के जितने वृक्ष लता हैं बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे जाति का हमारे वंश का ये लड़का इतना बड़ा सौभाग्यशाली श्री कृष्ण का धरासो का पान कर रहा है। एक गोपी कही कि अरे सखी ये तो बंसी है, हम लोगों को यदि पहले पता होता तो वृक्ष तपस्या करके लकड़ी के घर में बांस बन जाते, श्री कृष्ण का दरासव पान करते। एक गोपी कह रही अरे सखी वृंदावन के सौंदर्य को वृंदावन के सौभाग्य को नहीं देख रही हो। वृंदावन सखे भो बितनो तिकीर्तिम जद देव की सुत पदाम्बुज लक्ष्मी।
ये वृंदावन कितना बड़भागी है देखो तो सही, जिसके छाती पर प्यारे श्याम सुंदर का चरण कमल चौबीसों घंटा बड़ा रहता है। देखो तो ये श्री कृष्ण के रूप माधुरी को देख करके मयूर नृत्य करने लगते हैं। अरे देखो देखो ये तो ये हरिणीय के सौभाग्य को देखो, नंद नंदन के रूप माधुरी को देख करके हरिणिया अपने बड़े बड़े नेत्रों से श्याम सुंदर को अवलोकन करने लगती हैं। एक गोपी कहती है खेरी सखी अवलोकन ही नहीं कर रही है, वे अपने मोटे मोटे नेत्रों को श्री कृष्ण के चरण कमल पर अर्पित ही कर देना चाहती है। पूजा दधुर विरचितम प्रणया बजो गई। अरे सखी ये श्री कृष्ण का रूप क्या है, वनितोत्सव रूप शीलम, ये स्त्रियों का ही उत्सव है। देखो तो सही जब नंद नंदन श्री कृष्ण मधुर मुस्कुराते हुए बंसी निनाद करते हैं तो स्वर्ग की अप्सराएं स्वर्ग को छोड़ करके अपने पति के साथ विमान पर चढ़ करके वृंदावन के आकाश में आ जाते हैं और श्री कृष्ण के मधुर मुस्कान मतवाली चाल तिरछी नेत्र और बंसी की निनाद सुन करके उनके सामने उनका निधि बंधन खुल जाता है और श्री कृष्ण से मिलने के लिए अपने दोनों बाहों को उठा करके चल देती हैं। एक गोपी कहती है अरे सखी ये तो देवता है, ये वृंदावन के पक्षियों को नहीं देख रही हो और श्री कृष्ण की इस मतवाली चाल श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को देख करके पक्षी मौन मुनि जैसे मौन हो जाते हैं। आरुह्य ते ध्रुमभुजान रुचिर प्रवाह शिडवंत मिलित दिशो विगतान निवाचः, ये ऋषियों जैसे अपने नेत्र को बंद करके ध्यान लगाने लगते हैं। एक गोपी कहती है अरे सखी ये तो पक्षी है, देखो देखो ये तो देखो जमुना को देखो, जब श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं तो नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीता, मुकुंद के गीत को सुन करके जमुना में आवर्त आ जाता है, तूफान आ जाता है। एक गोपी कहती है अरे सखी ये तूफान नहीं है, ये जमुना अपने दोनों बाहों को उठा करके आलिंग नस्त गति भूज भुजे बुला रहे, अपने दोनों बाहों से प्यारे श्याम सुंदर को आलिंगन करना चाहती है। अग्रहणंतिपाद जुगलम कमलोपारा, और अपने हृदय का कमल का फूल श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहती है। एक गोपी कहती है अरे सखी ये तो जमुना है, वृंदावन के आकाश मंडल में स्थित बादलों को नहीं देख रही है, जैसे जैसे श्री कृष्ण चल रहे हैं उनके सिर पर श्री कृष्ण की छाया करते हुए बादल भी चल रहा है और चलते चलते प्रेम प्रवृत्त उदित कुष्मावली भी, चलते चलते एक एक बूंद गिरा करके अपने आप को कृष्ण के चरण कमल में समर्पित कर देता है। एक गोपी तो कहने लगी पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाभ्यराग श्री कुंकुमेन दयिता स्तन मंडितेन तदर्शन स्मर रुज तृण रोषितेन लिंपंत जानन कुचे सुज सुस्तदाज। जब श्री कृष्ण गोचारण करने के लिए जाते हैं और उनके चरण में प्रिया जी के वक्षस्थल का कुमकुम लग जाता है। जी गोस्वामी पाद लिखे हैं कि एक बार प्रिया जी श्री कृष्ण का स्मरण करके बेहोश होकर के गिर गई। अब तो कौन मासी सखी ने विविध उपचार की लेकिन प्रिया जी का वह ज्वर ठीक नहीं हो रहा है और प्रिया जी की ऐसी स्थिति हो गई कि बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया लेकिन प्रिया जी का वह रोग कृष्ण विरह का ताप शांत नहीं हो रहा है। पौर्णमासी सखी कीर्ति मैया से कही यदि मैया इसका दवा मेरे पास है एक राधा रानी को दे दो, हम यमुना जी के तट कर तट पर निकुंज में ले करके एक डॉक्टर को बुलाकर औषधि कराते हैं। महाराज पौर्णमासी सखी प्रिया जी को यमुना जी के तट पर लाई। अब तो एक सखी को भेजी जाओ श्री कृष्ण को बुला लाओ और श्री कृष्ण को बुला करके उनके स्पर्श कराने से ही इनका दुख दूर होगा। अब श्री कृष्ण के पास आई और आकर के कही कि चलो, श्री कृष्ण कहे कि नहीं मैं किसी पराई स्त्री का हाथ नहीं लगाता स्पर्श नहीं करता। अब परमासी सखी देखो तुम्हारे विरह में वो मर जाएगी, तुम केवल स्पर्श कर दो जी जाएंगे। श्याम सुंदर महाराज सुनने के लिए तैयार नहीं हुए
तो पौर्णमासी कहती है आप अपने चरण से केवल स्पर्श कर दो, वो जी जाएगी। महाराज पौर्णमासी सखी के कहने पर प्यारे श्याम सुंदर अपने चरण को प्रिया जी के वक्षस्थल पर पधराते हैं। तो प्यारे श्याम सुंदर के चरण में प्रिया जी के वक्षस्थल का अंगराग लग जाता है, उसी को यहाँ पर गोपियां कहती हैं। पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदार्थ राग श्री कुंकुमेन दयिता स्तन मंदितेन तदर्शन स्मर रुज तृण रोषितेन लिंपंत जानन कुचे सुजहुस्तदारु। महाराज उस चरण का पंकज महाराज घास पर पड़ जाता है और घास काटने वाली वहाँ की स्त्रियाँ भीलनी की स्त्रियाँ आती हैं और उस कुमकुम को अपने गाल पर कपोल पर लगाती हैं और लगाते ही महाराज महाभाव प्रकट हो जाता है। एक सखी कहती है कि अरे सखी ये गिरिराज जी की सौभाग्य को नहीं देख रही हो, न जाने गिरिराज ने कौन सी ऐसी तपस्या किया। हंताय मत्रिम बलो हरिदास वर्ज जद राम कृष्ण चरण स्पद सत्र मूल मौनम तनोति सह गो गणजोस्तयोर्ज पारीय सूय वस कंदर कंद मूल। जब श्री कृष्ण को चारण करने के लिए गिरिराज जी पर चढ़ते हैं तो महाराज गिरिराज जी कृष्ण के चरण के स्पर्श से ही उनके हृदय में स्पर्शक प्रमोद हो जाता है। और कितने बड़े हरिदास वर्ग हैं, भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, कृष्ण के सेवा के लिए विविध प्रकार के झरना उपस्थित किए हैं, राधा माधव निवृत्त निकुंज की लीला करने के लिए कुंज निर्माण किए हैं, कहाँ तक पानी सूर्य वस कंदर कंद मूल खाने के लिए विविध प्रकार के फल कंद मूल उपस्थित करते हैं। इस प्रकार महाराज श्री कृष्ण वेणु वादन करके पुलकस तरुणाम संपूर्ण वृंदावन के जातियों को प्रेम का संचार कर रहे हैं। असल बात है प्रेम तो है गोपियों को, जहाँ प्रेम होता है वो सर्वत्र प्रेम ही दिखाई देता है। महाराज प्रेमी के दृष्टि में संपूर्ण जगत में केवल प्रेम ही प्रेम है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जे माधुर्या मृत सदा जयी पार करे तृष्णा शांति रहे तृष्णा बढ़े निरंतर। देखो ये प्रेम की ऐसा आग है, ऐसी तृष्णा है जिसके हृदय में एक बार प्रेम देवता का संचार हो जाए, ये महाराज तृष्णा का शांति कभी नहीं होता है, बल्कि प्रेम में नए नए नित्य नूतन तरंग निकलता रहता है। सुखदेव जी कहते हैं एवं विधा भगवतो जालिंदावन चारिणः वर्णयन्तो निथो गोपये पीडास्तन्मयतामयौ। परीक्षित वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं, गोपियां प्रतिदिन आपस में उन लीलाओं का वर्णन करती हैं और वर्णन करते करते तन्मय हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित हो जाता है और एक एक लीलाओं का गान करने लगती हैं। कार्तिक के बाद कौन महीना आता है? अगहन आता है। अब अगहन की कार्तिक की लीला हो गई, अब अगहन की लीला है। हे मंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी कहा चेरु हविष्यम भुंजान कात्यायन रचन व्रतम। देखिए वृंदावन में कार्तिक की से भी अधिक महिमा अगहन की महिमा। ये ब्रज गोपी प्रेम प्राप्त करने के लिए अगहन में साधना करते हैं। ये मार्गशीर्ष महीना में कहते हैं हेमंते प्रथमे मासे, ये हेमंत का प्रथम महीना है मार्गशीर्ष महीना। इसमें ब्रज की जितनी भी छोटी छोटी कुमारी लड़कियां हैं, 5 वर्ष से छोटी लड़कियां, ये महाराज कात्यायनी का व्रत करते हैं। आप लुप्तां भस्कालिंदा जालं ते शोध के रुबे। महाराज सुबह सुबह 4 बजे भोर में उठ जाती है और उठ करके अपने थाली में गन्न धूप दीप नैवेद्य ले करके चल जाती है।
जमुना जी के तट पर जाकर के बालुका मई बालुका की देवी बनाती है और देवी बना करके उनकी पूजा करती है और पूजा करके मंत्र बोलती है कात्यायनी महा माये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुंते नमः। हमारा ये सिद्ध मंत्र है। पंडित लोग तो यहाँ तक कहते हैं इस मंत्र का यदि कोई जप करता है तो श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इति मंत्र जपंतस्ता पूजा पूजम चक्रो कुमारी का। महाराज ये कुमारी स्त्रियां लड़कियां महाराज ये सेवा कर भगवान कात्यायनी की पूजा की। ये रोज आती छोटी छोटी बच्चियां अपने वस्त्र को जमुना जी के तट पर रख देती और रह करके स्नान करती। देखो भाई पूजा किसका हो रहा है कात्यायनी का। ये देवी कभी दर्शन नहीं दी लेकिन कन्हैया दर्शन दे दिया क्योंकि कोई देवी देवता है ही नहीं एक कृष्ण ही है। सर्व देव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति आंख नाक सब हमारे हमारे शरीर में सब देवता ही बैठे हुए हैं। आंख के देवता है कान के देवता है नाक के देवता है तो सब देवता है लेकिन श्री कृष्ण ना रहे तो ये देवता किसी काम के नहीं। आत्मा रूप में तुम्हारा जो पूजा तो कर रही है देवी की देवी तो कभी दर्शन नहीं दी और साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए और प्रकट होकर के तासाम बासाम सुपादाय नीपमारुहिय सत्वरा। ठाकुर जी उनके वस्त्रों को लेकर के पेड़ पर चढ़ करके हसत भी प्रहसन वाले परिहास मुवाचा। देखो भगवान हंसते हंसते बोलने लगे हे ब्रज गोपियों तुम लोगों की साधना पूरी हो गई तुम लोग आ जाओ अपने अपने वस्त्र को ले लो। देखो भाई चीर हरण लीला को आचार्य अज्ञान हरण लीला बताते हैं। जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया का पर्दा है वो भक्त को हटाना नहीं पड़ता भगवान को ही हटाना पड़ता है। तो भगवान ने महाराज इसको हटाया और ठाकुर जी ने उनके वस्त्र नहीं बल्कि अज्ञान को हटाए। महाराज ये गोपियां कहती हैं कि लाला तुम हमारा वस्त्र दे दो। ठाकुर जी कहे कि आ जाओ वस्त्र ले लो। तो तासाम विज्ञान भगवान सोपाद स्पर्श कामयाम संकल्प आह दामोदरो बोला। ठाकुर जी महाराज बोलने लगे हे ब्रज गोपियों तुम लोग जो साधना करती थी उसको पहले से ही पता था। देखो ये सिद्धांत था न मैया वेश विधि काम कामाय निष्कल्प थे। जिस वस्तु को श्री कृष्ण स्पर्श कर दे उसमें पुनः विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे भर्जिता पतिता धाना जिस अन्न गेहूं को जैसे उबाल दिया जाए या भूज दिया जाए तो पुनः अंकुरित नहीं होता है। इसी तरह श्री कृष्ण जिसको एक बार भी स्पर्श कर दे उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होगा। इस प्रकार ठाकुर जी ने उन ब्रज गोपियों को कृष्ण प्रेम दे करके महाराज उनकी अभिलाषा पूरा करके ठाकुर जी चले गए। देखो भाई अपना काम करना है कृष्ण को। कृष्ण को क्या करना है कृष्ण का अवतार हुआ है रास करने के और रास में जितना भी व्यवधान है सबको साफ करते आ गए। रास करते समय सब स्त्रियों की इच्छा पूरा कर दी अकासुर बकासुर झिनका सुर को मार डाले। श्री कृष्ण का प्रतिद्वंदी कोई नहीं रहा। अब ब्राह्मण लोग भी डिस्टर्ब करेंगे और ब्राह्मणों पर भी कृपा करना है। भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी सब गोप बालकों को लेकर के गोचारण करने के लिए चले गए। उस दिन कलेवा लेकर के कोई गोप बालक नहीं गया था। बहुत दूर चले गए हैं लड़कों को बहुत जोर से भूख लगी। अब गोप बालक कहने लगे कि हे लाला तूने बड़े बड़े कष्टों का वध किया है अब भूख रूपी शत्रु हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। ऐसा वही बाधते छुनमम तत्शांतिम कर तुम अरहत। ये भूख भी एक राक्षस से मारे कहते हैं बड़े बड़े राक्षसों को हे राम हे बलराम हे कृष्ण आपने दुष्टों को राक्षसों को वध किया अभी भूख रूपी शत्रु हम लोगों को दुख दे रहा है। ऐसा वही बाधते आप इसको शांति कर दो। ठाकुर जी देखो भाई भगवतों को भूख लगता नहीं है कृष्ण के भक्तों को एक ही भूख लगता है कृष्ण की सेवा की।
भगवान मन ही मन विचार करने लगे कि हमारे भक्तों को भूख कैसे लग गई, जरूर कुछ लीला करना है। तो ठाकुर जी कहे कि देखो यहाँ से थोड़े ही दूर पर मथुरा के 14 लोग यज्ञ कर रहे हैं और वहाँ तुम लोग जाओ और जा करके हमारे लिए अन्न मांग करके लाओ। हमारा सब गोप बालक गए और जा करके हाथ जोड़ करके कहे हे भूमि देवा श्रीमतः कृष्णाश्यादेश कारिणा, हे ब्राह्मण देवता हम लोग कृष्ण के आदेश से आए हैं, आप हम लोगों को अन्न दें। श्रद्धा चो जगत धर्म रितना ओदन कहे, ओदन कहते महाराज भात, उनको चावल दे दिए। लेकिन ये ब्राह्मण लोग एक शब्द भी नहीं दे। तब गोप बालक कहते हम लोगों को पता है कि सौत्रामणि यज्ञ को छोड़ करके किसी यज्ञ में कुछ देने से यज्ञ दूषित नहीं होता है, आप हमें दे दो। लेकिन ये ब्राह्मण देवता स्वाहा स्वाहा हाहा हाहा कर रहे हैं, लेकिन कोई गोप बालकों के बात पर ध्यान नहीं दिया। सुखदेव जी महाराज गाली दिए ब्राह्मण। सुखदेव जी कहते हैं इतिते भगवत यांचा श्रवंतोपि न सुश्रुमः, ये साक्षात रमारमण यज्ञ के भोक्ता एकमात्र श्री कृष्ण के आदेश को सुन करके भी ब्राह्मण लोग हाँ पहन ना थे। सुखदेव जी अब गाली देना प्रारंभ करते, क्षुद्रासा भूरिकर्माणः बालिशाः वृद्धमानिनः, ये छोटे आशा से यज्ञ कर रहे हैं, काम बहुत अधिक कर रहे हैं, मूर्ख लेकिन अपने आप को बड़े विद्वान समझते हैं। देश काल पृथक द्रव्य मंत्र तंत्र देवता सबका तो मालिक श्री कृष्ण ही है, ये साक्षात ब्रह्मोक्षज हैं, उनको मनुष्य समझ करके ब्राह्मण देवता कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हुए। सुखदेव जी कहते हैं महाराज ये हाँ कहे न ना कहे, केवल हा 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 करते रह गए। अब तो महाराज गोप बालक वहां से दौड़ कर कन्हैया के पास गए और कन्हैया से जाकर के कहते हैं लाला तुम किसके पास भेज दिया, हम लोग चिल्लाते चिल्लाते थक गए। लेकिन ये लोग हाँ कहे न ना कहे, श्री कृष्ण महाराज मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि यदि कोई कर्म करने से फल की प्राप्ति नहीं होती है तो डरना नहीं, दोबारा प्रयास करना। और एक बार और बता देता हूँ, मथुरा के जितने चौगे हैं सब दाऊ दादा के चेले हैं और वहाँ की उनकी सब पत्नियां मेरी चेली हैं, जाकर उन पत्नियों के पास भी एक बार तो पा करके आओ। अब तो महाराज श्री कृष्ण के आदेश करने पर ब्राह्मण के स्त्रियों के पास गई तो स्त्रियां महाराज सज धज करके श्रृंगार करके एक आश्रम पर बैठी हुई थी, वो हाथ जोड़ करके गोप बालक प्रणाम किए, नमो विप्रपत्नीभ्यो निबोधत वचान सुना, अरे ब्राह्मण पत्नियों आप लोगों को नमस्कार है, श्री कृष्ण गोचारण करते करते बहुत दूर आ गए हैं, उनको बहुत जोर से भूख लगी है, आप लोग कुछ खाने के लिए दे दीजिए। महाराज ब्राह्मण की पत्नियां नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण की रूप माधुरी को सुन करके अपने चित्त को श्री कृष्ण में पहले ही निवेशित कर दी थी। श्रुत्वा चितमुपायातम नित्यम तद्दर्शनोत्सुकः, पहले से ही श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए ये लोग उत्सुक थे। तद कथा क्षिप्त मनसः, कृष्ण की कथा सुन करके उनका मन क्षिप्त हो गया, तुरंत भाग करके अपने घर गई और घर में जा करके चतुर्विधम बहुगुणम अन्नम आदाय भाजने, चार प्रकार के भक्त भोज ले और शोष्य बहुगुणम अन्नम आदाय, बहुत सुंदर अन्न को लेकर के महाराज अभी सश्रु चल दी। कैसे चल दी, जैसे छोटी छोटी नदियां सभी मर्यादाओं को तोड़कर समुद्र की ओर चलती है, वैसे सभी विघ्न बाधाओं को तोड़ करके ब्राह्मण पत्नियां महाराज चल देती हैं। उनके पति लोग मोटे मोटे डंडा लेकर के आ गए, अरे कहाँ जा रही है, निषिद्धमाना पति भी भात्री भी बंधु भी सुतई, देखो भाई इतना बाधा है, भगवान के भजन करने में सबसे अधिक बाधा आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपका भाई है, आपका बेटा है,
इसके बाद धर्म भी सहायता, धर्म भी बाधा करता है। ये सब कुछ को बिना छोड़े कोई कृष्ण के पास नहीं आ सकता है। अब तो महाराज भगवती उत्तम श्लोक दीर्घ श्रुतधृता सया श्री कृष्ण के चरण कमल में इनकी भक्ति इतनी अलौकिक थी, बंधी हुई थी महाराज, कि वह समस्त बंधनों को तोड़ करके चल गया। जब दौड़ करके आई तो आ करके देखती है कहां पर जमुना जी के तट पर भतखोड़ा में नहीं भतरोधार, वहां पर ही मथुरा की ब्राह्मणियां आती हैं। जब ठाकुर जी देखे कि ये मथुरा की स्त्रियां समस्त विघ्न बाधा को तोड़ करके मेरे पास आ रही हैं, तो दाऊ दादा को कन्हैया बुलाया और इतना सुंदर श्रृंगार करके झांकी बनाया कि कहीं लौट कर चले न जाए, हम रूप माधुरी थोड़ा फैला देते हैं। इतना सुंदर रूप बिखेरे, इस श्लोक को सुन करके श्री गौरांग महापुरुष पछाड़ खा कर गिर गए। ऐसा श्लोक है, श्यामम हिरण्य परिदिम्बन माल्यवर घातु प्रबाल नट भेष मनोव्रता से वीर्यस्त्र हस्त मित्रेण दुनान मज्जम करणोत्पलालक कपोल मुखा जहास। सांवला शरीर है, सुनहरा पीताम्बर झिलमिला रहा है, गले में बनमाला लटक रही है, मस्तक पर मयूर पंख है, अंग अंग में रंगीन धातुओं का बना हुआ चित्रकारी किया गया है, शरीर में लगा हुआ नटसा भेष है। विन्यस्त हस्त मित्रे रघुनानम अब्जम, और ठाकुर जी महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए दाऊ दादा के कंधे पर हाथ डाल करके चल रहे हैं, तो उनके कान का कुंडल बार बार कपोल पर लग रहा है और मधुर मुस्कुरा रहे हैं। महाराज ये ब्रज ये ब्राह्मण स्त्रियां जब ठाकुर जी के इस रूप माधुरी को देखी तो कही, अरी सखी जो कुछ भी रूप हम लोग सुनी थी वो तो सब फीका हो गया, इतना सुंदर रूप, इतना रूप, उन सब रूप को अपने अंदर लिया। प्राग्यम गथा अभिमतो विजहुर नरेंद्रम, इस रस को पा करके बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने रसमयी घर गृहस्थी को छोड़ करके वृंदावन वासी बन जाते हैं। अब तो महाराज ब्राह्मण पत्नियां सर्वस्व त्याग करके प्रतिज्ञा कर ली, अब हम लोग यही रहेंगे। ठाकुर जी भी बड़े चालाक हैं महाराज, ऐसे किसी को स्वीकार नहीं करते। ये कन्हैया हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहा, स्वागतम रो महाभागा आस्ताम करवा किम जन्मो दुर्भिक्षया प्राप्ता उपन्न विदम ही वह। अब तो महाराज ब्रज ये ब्राह्मण पत्नियां ठाकुर जी को भगवान कहते हैं कि अरे ब्राह्मण पत्नियों आप लोगों की स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। महाराज हाथ में बहुत कुछ लाए थे खाने के लिए, गोप बालक लेनी है। और ठाकुर जी ने तद्यात देव यजन, भगवान कहे कि आप लोग लौट करके चले जाइए, आपके पति लोग यज्ञ कर रहे हैं और गृहस्थों का यज्ञ बिना पत्नी